सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरोल रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा का पैरोल बढ़ाने से इनकार करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल रद्द की और उन्हें हिरासत में लिए जाने का निर्देश दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के तहत सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ाई थी। सुब्रत रॉय को मानवीय आधार पर जेल से गत मई में पैरोल पर छोड़ा गया था। बाद में उन्होंने निवेशकों का धन लौटाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने को लेकर उनका पैरोल जारी रखा गया। 68 वर्षीय रॉय की पैरोल की अवधि 23 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी, जो आज खत्म हो रही है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनका पैरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था वो ये खुलासा करे कि 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसने कहां से जुटाए और निवेशकों को धन लौटाकर पाक साफ हो। न्यायालय ने कहा था कि ये पचा पाना मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी राशि आसमान से नहीं टपक सकती। बता दें कि सहारा चीफ को दो अन्य डायरेक्टर्स दुबे और रॉय चौधरी के साथ 4 मार्च 2014 को जेल भेजा गया था। उन्होंने 2012 में इन्वेस्टर्स के 17,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ लौटाने के आदेश को नहीं माना था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।